Hello everyone, very good morning, greetings to all and welcome to taskbook.com. My name is Shiv Tiwari and hope you are doing well. Yes, Anjali, Muskan, Ketki, yes, very good morning. So, कैसे हैं आप सभी? I hope कि guys you are doing well, सभी लोग बेहतर होंगे और सभी की preparation बेहतर चल रही होगी, ठीक है? चलिए, सो आज है 5 जुलाई और मॉर्निंग के बज चुके हैं 8 और सभी को मालूम है कि मॉर्निंग 8 AM पर हम लोग मंडे टू फ्राइडे हमारा करंट अफेयर का सेशन कवर करते हैं और इस करंट अफेयर के सेशन में जो भी आपका CUET का एग्जाम होने वाला है, कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट, ठीक है, जिससे आप अपने ग्रेजुएशन में आपकी जो भी पसंदीदा सीट है आप उसको पा पाएंगे, ठीक है। उसके लिए हम लोग लास्ट 1.5 और 2 साल के करंट अफेयर कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। सो सभी का वेलकम करता हूँ आज के सेशन में, गाइस सभी का वेलकम है, ठीक है, सभी को नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन, ठीक है। और इस सेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जो टोटल क्वेश्चंस करने का प्रयास कर रहे हैं वो लगभग हमारे जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं, याद रखिएगा हम लोग लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर कर रहे हैं इसमें, ठीक है। टोटल जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं लास्ट 1.5 ईयर के करंट अफेयर कवर करने का प्रयास करें, ठीक है। सो जितने भी गाइस जुड़ चुके हैं जल्दी से फटाफट एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और इस समय आप सभी के लिए टेक्स्टबुक के द्वारा सुपर कोचिंग लॉन्च हो चुकी है, सो आप इंडिया के जो भी बेस्ट टीचर्स हैं उनके साथ जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं और जो भी आपकी ड्रीम आप स्ट्रीम पाना चाहते हैं ग्रेजुएशन में, आर्ट्स में, साइंस में, ठीक है, उस सभी में एडमिशन पा सकते हैं। और इस समय बहुत सारे कोर्सेस हैं जो ऑलरेडी टेक्स्टबुक पे गोइंग ऑन है, तो आप उनके लिए एनरोल कर सकते हैं। ये आपका पूरा शेड्यूल है, ठीक है, इस समय गोइंग ऑन इस चैनल पर कि किस टाइमिंग पर कौन कौन सा सेशन होता है। सो जिसको भी मालूम नहीं है सो प्लीज़ यू कैन फॉलो दिस शेड्यूल, आप इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर का सेशन याद रखेगा ये होता है मॉर्निंग 8 AM पर, ठीक है, मॉर्निंग 8 AM पर। और बाकी मेरे हर एक सेशंस की PDF जो है आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, सो प्लीज फॉर द PDF ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये पूरा शेड्यूल है, ठीक है, आपका, जिसमें आप अलग अलग टाइम पर सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बिहार सुपर कोचिंग भी ऑलरेडी गोइंग ऑन है जिसमें आप बिहार के बेस्ट टीचर्स के साथ एनरोल कर सकते हैं। और इस समय अभी हाल ही में 7 डेज का एक्सेस फ्री चल रहा है, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके जो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में होगी या फिर आप QR कोड को स्कैन करके भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइस आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर, जरा बताएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है IBM will establish a software lab in which city of India? तो IBM के द्वारा ये घोषणा की गई है कि IBM भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में एक सॉफ्टवेयर लैब स्थापित करने जाएगा, ठीक है। जरा बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। अनीस, वेरी गुड मॉर्निंग। जयपुर, कोची या फिर लखनऊ या फिर रायपुर, ठीक है। सो निम्नलिखित में से किस शहर में IBM के द्वारा एक लैबोरेटरी स्थापित की जाएगी। यहाँ पर केतकी का आंसर है ऑप्शन सेकंड, बाकी सभी लोगों के आंसर का इंतजार। और यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। सो कोची केरल की हम लोग बात करते हैं, याद रखिएगा, तो कोची केरल काफी वैसे इंपॉर्टेंट है। कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड का पहला ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो सोलर सिस्टम पर पूरी तरीके से ऑपरेटेड है। कोची पोर्ट को हम लोग क्वींस ऑफ अरेबियन सी भी बोलते हैं। और IBM अपनी जो पहली, याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर लैब स्थापित करने जा रहा है, वो भी कहाँ पर स्थापित करने जा रहा है, कोची में स्थापित करने जा रहा है, ठीक है। अगला सवाल है कि इन अगस्त 2021 सीनियर ऑफिशियल ऑफ इंडिया and other members nations of the Quad held extensive talk on different issues. Which of the following countries is या are the member of Quad? ठीक है, तो जरा बताएगा कि अगस्त 2021 में भारत और क्वाड के अन्य सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न मुद्दों पर व्यापक बातचीत की। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य है या है? जापान है, UK है, ऑस्ट्रेलिया है, बोथ 1 और 3। निम्नलिखित में से सही आंसर क्या होगा, आप जरा बताएगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या टिक करने जाएंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4। देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग जो करेक्ट आंसर टिक करेंगे दैट इज ऑप्शन 4 इज करेक्ट, 1 और 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जापान भी है और दूसरा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। तो आपने क्वाड में तो पढ़ा होगा कि क्वाड में कौन कौन यहाँ पर इंक्लूडेड है, तो क्वाड की अगर हम लोग बात करने जाएं तो इसमें आपका USA है, दूसरा हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया है, फिर एक आपका जापान है और जापान के साथ हमारा प्यारा भारत कौन सा है, इंडिया। और ये हम लोगों ने जो खास तौर से ग्रुप बनाया हुआ है किसके लिए, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, ठीक है। सो ये जो ग्रुप बनाया गया है किसके लिए बनाया गया है, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का, याद रखिएगा चाइना का जो इसमें प्रेशर है उसको कम करने के लिए, चाइना को टैकल करने के लिए, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन में पूछा गया है कि एमवे इंडिया हैज अपॉइंटेड हूम एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर एमवे एंड इट्स न्यूट्रीलाइट रेंज ऑफ प्रोडक्ट। तो एमवे इंडिया ने एमवे और उसके न्यूट्रीलाइट उत्पादों की श्रृंखला के लिए किस ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया है। सैखोम मीराबाई चानू है, मनिका बत्रा है और दीपिका कुमारी है और पीवी संधू है, ठीक है। सो जरा बताएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4, विच ऑप्शन इज करेक्ट। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से आप किसको टिक करने जाएंगे। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है, दैट इज सैखोम मीराबाई चानू इज द राइट आंसर। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। तो एमवे इंडिया ने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो किसको नियुक्त किया गया है, मीराबाई चानू को, ठीक है। अगला सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में संदीप बख्शी को की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दिया है, ठीक है। सो जो संदीप बख्शी साहब है ये निम्नलिखित में से किस बैंक के, याद रखिएगा एमडी है और साथ में याद रखिएगा सीईओ है। तो ये आईसीआईसीआई बैंक में, ठीक है, इसके एमडी एंड सीईओ है। दूसरा यह पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक जो आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक है, यस बैंक है, या फिर आपने बताना है कि एचडीएफसी बैंक। तो संदीप बख्शी साहब आपने पढ़े होंगे कि ही इज द हेड ऑफ द प्राइवेट बैंक और इस समय जो इनको हेड नियुक्त किया गया है वो किसका, आईसीआईसीआई बैंक का, ठीक है। और ये इस समय इंडिया की सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है, ठीक है। सो इसका जो सही आंसर ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आईआईएम ने परिसर में विविधता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए एक अतिरिक्त सीटों की घोषणा की है, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईएम हैज अनाउंस्ड सुपर न्यूमररी सीट्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू बूस्ट डाइवर्सिटी इन द कैंपस। तो कैंपस में डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का आईआईएम है जिसके द्वारा भारत में विदेशी छात्रों की सीट्स को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। सो आईआईएम लखनऊ है, आईआईएम कोझिकोडे है, आईआईएम इंदौर है या आईआईएम कोलकाता है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से आप किस ऑप्शन के लिए जाएंगे। और यहाँ पर अगर मैं राइट आंसर की बात करने जाऊं तो याद रखिएगा दैट इज ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इन सितंबर 2021 द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC हैज सस्पेंडेड व्हिच कंट्री until the end of 2022 after it failed to send a team to the टोक्यो गेम्स, ठीक है। तो पूछा गया है कि सितंबर 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है आईओसी ने किस देश को 2022 के अंत तक के लिए निलंबित कर दिया है क्योंकि वह टोक्यो ओलंपिक में एक भी टीम भेजने में विफल रहा। सो ग्रीस है, वो यूनान है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है या फिर साउथ कोरिया है। सो निम्नलिखित में से किस देश को इसमें क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया। और ये कौन सा है आपका, नॉर्थ कोरिया इज द राइट आंसर। तो नॉर्थ कोरिया आप सभी जानते हैं तानाशाही है वहाँ पर। और जब हम लोग इसके कैपिटल की बात करते हैं सो कैपिटल आई होप कि सभी ने जरूर पढ़ी होगी कि इसकी जो कैपिटल है दैट इज द प्योंगयांग, ठीक है। तो इसकी जो कैपिटल देखते हैं दैट इज द प्योंगयांग। और जब हम लोग इसकी करेंसी की बात करते हैं तो इसकी जो करेंसी है याद रखिएगा दैट इज अ वॉन। तो वॉन इसकी करेंसी है, कैपिटल इसकी प्योंगयांग है। और इसके जब हम लोग हेड की बात करते हैं कि यहाँ पर इस देश का हेड कौन है, तानाशाह कौन है, सो किम जोंग उन, ठीक है। आप सभी पढ़ते हैं किम जोंग उन, ठीक है। इनके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ वोडाफोन आइडिया ने आपदाओं पर वास्तविक समय पर नागरिकों को सचेत करने के लिए पहला सेल प्रसारण आधारित सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली शुरू करने के लिए भागीदारी की है, तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है या कर्नाटका। सो निम्नलिखित में से किस ऑप्शन को हम लोग टिक करने जाएंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4। सो निम्नलिखित में से जरा बताएगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। और यस यहाँ पर जो हम लोग सही आंसर टिक करने जाएंगे दैट इज ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो दैट इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि स्वतंत्रता सेनानी जी सुशीला का सितंबर 2021 में निधन हो गया। उनका जन्म निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तमिलनाडु में, केरल में हम लोग टिक करेंगे, कर्नाटक में टिक करेंगे या फिर उड़ीसा में। सो इन्होंने क्या पूछा हुआ है, याद रखिएगा इन्होंने जन्म के बारे में पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से किसको टिक करेंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो जी सुशीला का जो निधन हुआ था पूछा जा रहा है कि ठीक है ये निम्नलिखित में से किस राज्य में इनका जन्म हुआ है। स्वतंत्र सी वॉज द फ्रीडम फाइटर और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज केरल। ठीक है, सो सी बिलोंग टू द केरल, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल है विच फिल्म एक्टर वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर एनबीए इन इंडिया। तो भारत में एनबीए के लिए किस फिल्म अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? कार्तिक आर्यन, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर या फिर सोनू सूद। जरा बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। 1, 2, 3 एंड 4 विच ऑप्शन इज करेक्ट? निम्नलिखित में से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4। और यस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर याद रखेगा ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। रणवीर सिंह इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, रणवीर सिंह इज द करेक्ट ऑप्शन। तो एनबीए के लिए याद रखिएगा जो ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किए गए वो कौन है? रणवीर सिंह। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन अक्टूबर 2021 इंडिया एंड डेनमार्क एक्सचेंज्ड हाउ मेनी एमओयूज। ठीक है, हाउ मेनी एमओयूज। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अक्टूबर 2021 में भारत और डेनमार्क ने कितने समझौता ज्ञापनों पर आदान प्रदान किया है। जरा इसका सही आंसर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4। विच ऑप्शन इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सही आंसर होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है याद रखेगा दैट इज ऑप्शन यस सेकंड इज द राइट आंसर। तो इसमें हम लोग जो टिक करने जाएंगे 4 इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन अक्टूबर 2021 द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन टिल विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। सो अक्टूबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी को निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। यानी कि जो स्वच्छ भारत मिशन है ये किस ईयर तक कंटिन्यू चलता रहेगा? 2022 से लेकर के 23 तक, 29 से लेकर के 30 तक, 24 से लेकर के 25 तक या 25 से लेकर के 26 तक। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन टिक करने जाएंगे? सो जो करेक्ट आंसर याद रखेगा टिल 2025 से लेकर के 2026 तक। ठीक है, अगला सवाल है इसमें कि अक्टूबर 2021 में टेस्ट क्रिकेट अंपायर फ्रेड गुडॉल का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थे? इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से या साउथ अफ्रीका से। जी तो जरा बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, सो न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर। ठीक है, न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर। ठीक है, न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि इंडियाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड Which of the following surface-to-surface ballistic missile in October 2022? तो आपको बताना है कि भारत ने अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया हुआ है। सौर्य है, पृथ्वी है, सौर्य है, पृथ्वी है या फिर आपको बताना है निर्भय है या फिर अग्नि 5 है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से आप किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। दैट वाज द अग्नि 5। तो ये जो मिसाइल थी जो सरफेस टू सरफेस थी और इसका जो परीक्षण किया गया था दैट वाज द अग्नि 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2021 में केंद्र सरकार ने किस शहर के हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है? शिमला है, मनाली है, श्रीनगर है या फिर जम्मू है। सो निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा यानी कि मेजर एयरपोर्ट के तौर पर डिक्लेयर किया गया है, मेजर एयरपोर्ट के तौर पर डिक्लेयर किया गया है। सो इस समय आपको सभी को मालूम है कि ये सारे जो डिसीजन लिए जाते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की अगर हम लोग बात करने जाए तो इस समय जो मिनिस्टर हैं वो सभी को मालूम है कि वो हैं आपके इस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो हम लोगों ने जो श्रीनगर एयरपोर्ट है, श्रीनगर एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट के तौर पर घोषित किया हुआ है, ठीक है। अगला सवाल है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड क्वालिटी डे 2021। तो विश्व गुणवत्ता दिवस 2021 की विषय वस्तु क्या है ये पूछा गया है। क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू, 100 years ऑफ क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, इम्प्रूविंग आवर प्रोडक्ट एंड पीपल, और फिर है लास्ट क्वालिटी क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। सो वर्ल्ड क्वालिटी डे जरा बताएगा कि वर्ल्ड क्वालिटी डे का थीम आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आप क्या टिक करने जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से सही आंसर क्या होगा? वर्ल्ड, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? क्वालिटी डे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जरा बताइएगा कि वर्ल्ड क्वालिटी डे पहले तो कब ऑब्जर्व किया जाता है? इट इज ऑब्जर्व ऑन 11 नवंबर। तो अगर मैं वर्ल्ड क्वालिटी डे की बात करने जाऊं तो ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 11 नवंबर को, और इसका थीम पूछा गया था, विषय वस्तु पूछा गया था, ठीक है। सो जरा बताइएगा कि इसका विषय वस्तु क्या है? तो इसका जो विषय वस्तु था याद रखिएगा दैट इज सस्टेनेबिलिटी, इंप्रूविंग आवर प्रोडक्ट, पीपल एंड प्लानेट है, ठीक है। सो इसका जो सही आंसर याद रखिएगा दैट इज ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। याद रहेगा बच्चों? तो इसका जो सही आंसर है मतलब थीम जो पूछी गई ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में जाने से पहले बोलूंगा कि जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते चले जाएं, ठीक है। जल्दी से एक बार अपने सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और बाकी आप टेक्स्ट बुक के किसी भी प्लेटफॉर्म को एनरोल करना चाहते हैं तो आप इस कूपन कोड का यूज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर द एनरोलमेंट टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। यू कैन यूज दिस कूपन कोड, ठीक है। और इस समय टेक्स्ट बुक जो पास है याद रखिएगा कम प्राइसेस में अवेलेबल है, यानी कि जो टेक्स्ट बुक पास है 1 ईयर का टेक्स्ट बुक पास आप 375 रुपए में एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड SKT Pass टू गेट द डिस्काउंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कंपाउंड तीरंदाजों की भारतीय पुरुष टीम ने नवंबर 2021 में किस देश को हरा करके एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक जीता है, ठीक है। सो जरा बताएगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट सवाल कि द इंडियन मेंस टीम ऑफ कंपाउंड आर्चर्स क्लिंस्ड द ब्रॉन्ज मेडल एट एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2021 आफ्टर बीटिंग व्हिच कंट्री इन नवंबर 2021, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा और निम्नलिखित में से किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4? सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। कंपाउंड तीरंदाजों की भारतीय पुरुष टीम ने नवंबर 2021 में किस देश को हराकर एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता? देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है दैट इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट, बांग्लादेश इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो करेक्ट आंसर टिक करेंगे वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 1 इज राइट, ठीक है, ऑप्शन 1 इज राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का थीम क्या है, ठीक है। तो डे फॉर द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इसकी विषय वस्तु पूछी गई है। और वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के समय में आपने देखा होगा कि इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम काफ़ी पूछी जा रही है एग्जाम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑरेंज द वर्ल्ड द एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ, ठीक है। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? 3 इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कन्फर्ड द एनुअल नेशनल अवार्ड ऑन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टेट डिस्ट्रिक्ट ETC इन December 2021 which state has been recognized as the best state in promoting द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिसंबर 2021 में व्यक्तियों संस्थानों संगठनों और राज्य जिले आदि पर वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के लिए किस राज्य को दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में मान्यता दी है? तो यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला स्टेट है वो कौन सा है? तमिलनाडु है, ठीक है, ये आपको बताना है। केरल है, गुजरात है या फिर पंजाब है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, यस सो इसका जो सही आंसर है तमिलनाडु इज द राइट आंसर, ठीक है। सो ऑप्शन वन इज करेक्ट। चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे अमेरिका की प्रतिष्ठित, ठीक है, पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? सुशांत आर्नोल्ड, नीली बेंदापुरी, गीता गोपीनाथन या फिर हर्षवंती विष्टी, ठीक है। So in December 2021, who among the following has been appointed as the first woman president of America? prestigious Pennsylvania State University, और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। दैट इज याद रखिएगा नीली बेंदापुरी इज द राइट आंसर, ठीक है। सो यहाँ पर जो हम लोग करेक्ट आंसर टिक करने जाएंगे, यानी कि जो राइट आंसर टिक करने जाएंगे वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, ठीक है। अगला सवाल है कि इन दिसंबर 2021 भूटान हैज कन्फर्ड द कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दैट इज अ नागा डाक, ठीक है, पेलगी खोलरो अपॉन हु अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भूटान का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है? तो अगर आपको याद हो तो भूटान का जो विजिट करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब, पीएम नरेंद्र मोदी या फिर वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू। तो ये जो भूटान की कैपिटल सभी जानते हैं थिम्पू, और भूटान का ये जो सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया था किसको दिया गया था? नरेंद्र मोदी को, ठीक है। सो इसका जो सही आंसर है याद रखेगा दैट इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर, ठीक है, थ्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 425 मिलियन यूएस डॉलर में एल&टी म्यूचुअल फंड का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है? सो हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, HSBC होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, HDFC होगा या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक होंगे। बिल्कुल गीता गोपीनाथन, लेकिन अभी इनकी जगह पर कोई दूसरा पर्सन नियुक्त हो चुका है, ठीक है, ये रिप्लेस हो चुकी है IMF में, और IMF के जो इस समय हेड हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, और जो भारत की तरफ से अगर हम लोग डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करने जाएं तो गीता गोपीनाथ, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है HSBC, याद रखिएगा ऑप्शन वन इज करेक्ट। और कई बार ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा कि HSBC वॉज फर्स्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया, वॉज हम लोग इसको क्या लिखते हैं? फर्स्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया, ठीक है। तो इसको हम लोग भारत में सबसे पहली फॉरेन बैंक के तौर पर देखते हैं जो आई हुई थी 1862 में, और फर्स्ट बैंक इन इंडिया तो याद रखिएगा भारत में पहली बैंक थी जिन्होंने इशूड ATM, ठीक है, इशूड ATM। तो HSBC सबसे पहली फॉरेन बैंक मानी जाती है, और ये पहली बैंक भी मानी जाती है भारत में जिसने सबसे पहले किसको इशू किया? ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन को, ठीक है। अगला सवाल है कि दिसंबर 2021 में साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा में साहित्यिक कार्यों के लिए किसे सम्मानित किया है? ठीक है, प्रीति सिनोय हैं, नमिता गोखले हैं, अरविंद अडिगा हैं या समित बसु हैं। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इन दिसंबर 2021 द साहित्य अकादमी अवार्ड टू होम इन दिसंबर 2021 द साहित्य अकादमी वाज अवार्डेड टू होम फॉर लिटरेरी वर्क इन इंग्लिश लैंग्वेजेस? प्रीति सिनोय, नमिता गोखले, अरविंद अडिगा या समिता बसु, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है, नमिता गोखले इज द राइट आंसर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसके साथ IIT गुवाहाटी ने अनुसंधान सहयोग के मार्ग में महत्वपूर्ण विकास के लिए एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? बी बरोच कैंसर इंस्टीट्यूट है, बी बरूहा कैंसर इंस्टीट्यूट है, दूसरा नॉर्थ ईस्ट आपका कैंसर इंस्टीट्यूट है, और तीसरा है आपका कैंसर हॉस्पिटल, एंड चौथा है आपका रिसर्च सेंटर, ठीक है। सो जरा बताएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन वन इज करेक्ट, बी बरोहा कैंसर इंस्टीट्यूट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो कृषि अवशेषों को हाइड्रोजन और मीथेन में परावर्तित कर सकती है? ठीक है, कृषि अवशेषों को पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन और मीथेन में परावर्तित कर सकती है। सो आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, निम्बालकर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर है या फिर सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। सो जरा बताएगा कि निम्नलिखित में से आप किस ऑप्शन को टिक करेंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4। और यस, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज द राइट आंसर, ठीक है। सो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन वन इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन वन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसने एआई और एनएलपी, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनएलपी मतलब है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, क्षमताओं के साथ एक आभासी सहायक ऊर्जा को लॉन्च किया है जो 600 से अधिक उपयोग के मामले प्रशिक्षित हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, कोल इंडिया है और चौथा दिया गया है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है। ठीक है, सो जरा बताएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से हम लोग किस ऑप्शन को टिक करेंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4, विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड ऊर्जा अ वर्चुअल असिस्टेंट विद एआई, एनएलपी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज एंड ट्रेंड ऑन मोर देन 600 यूज केसेस। यस, और यहाँ पे ये जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन वन इज करेक्ट। ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ICAI और भारत के किस इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंट्स के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, सो इसमें से सही आंसर क्या होगा, जापान होगा। ठीक है, पहला, दूसरा रशिया होगा, तीसरा फ्रांस होगा, चौथा पोलैंड होगा। सो निम्नलिखित में से हम लोग किस कंट्री को टिक करने जाएंगे, यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4, और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर याद रखिएगा रसिया इज द राइट आंसर। अगला सवाल है। सितंबर 2021 में सिद्धार्थ शुक्ला, अगर आपको याद हो तो ये मतलब जो वो आता है बिग बॉस, उसके भी विनर रह चुके थे और काफ़ी फेमस पर्सन थे सिद्धार्थ शुक्ला साहब। तो उनका हार्ट अटैक के थ्रू अगर आपको याद हो तो इनका निधन हो गया था और बहुत सारे फेमस जो एक्टर्स की अगर मैं बात करने जाऊं तो इनका डेथ हुआ है अभी कुछ समय में। अभी हाल ही में आपने सुना होगा जो फेमस आपके सिंगर थे के का भी निधन हो गया था। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से किसको टिक करने जाएंगे, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन वन इज करेक्ट, एक्टिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग जो राइट आंसर टिक करने जाएंगे, यहाँ पर हम लोग जो राइट आंसर टिक करने जाएंगे वो कौन सा होगा, ऑप्शन वन। अगला सवाल है, इन सितंबर 2021 RN Ravi has been appointed, ठीक है, as the governor of which of the following states। तो सितंबर 2021 में आर एन रवि को निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, तमिलनाडु है, उत्तराखंड है, केरल है या फिर झारखंड है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4, विच ऑप्शन इज करेक्ट। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है तमिलनाडु इज द राइट आंसर। ठीक है, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो गाइज एक अपडेट है कि देयर इज अ वन कोर्स फॉर बिहार SSC CGL। सो अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट बिहार SSC CGL के लिए एनरोल करना चाहता है सो यू कैन एनरोल फॉर दिस कोर्स, और जब भी एनरोल करने जाए सो यूज दिस कूपन कोड टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2021 में भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार किया है। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड अ रिपोर्ट ऑन रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया इन सितंबर 2021। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4, विच ऑप्शन इज करेक्ट। यस बिल्कुल, हाँ बिग बॉस, यस 10 सीजन के, ठीक है 10th सीजन के विनर थे। तो भारत में ये जो शहरी नियोजन क्षमता में सुधार की जो रिपोर्ट जारी की गई है किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, सो नीति आयोग आई होप कि आप सभी जानते हैं कि ये 1 जनवरी को आया हुआ था, 1 जनवरी 2015 को ये आया हुआ था नीति आयोग। ठीक है, और इसके जो अभी हाल ही में न्यू वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं, याद रखेगा ये पूछे जा सकते हैं कि वो जो अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट, तो इसके जो नए वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किए गए उनका नाम क्या है, याद रखेगा दैट इज सुमन बेरी। सो सुमन बेरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड सोलर DC कुकिंग सिस्टम। तो निम्नलिखित में से किस संस्थान ने सोलर DC कुकिंग सिस्टम विकसित किया है, CSIR, CMERI, NIT दुर्गपुर, IISc बेंगलुरु और IIT दिल्ली। सो सोलर DC जो कुकिंग सिस्टम है ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभी हाल ही में डेवलप किया गया है, और आपने पढ़ा होगा कि ये हाल ही में जो डेवलप किया गया है किसके द्वारा, CSIR के द्वारा। तो एक अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक सोलर जो कुक है वो है, उसको डेवलप किया गया है, ठीक है। एक सोलर चूल्हा तैयार किया गया है जिसमें सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके खाना पकाया जा सकता है। और भविष्य में आने वाले समय में ये बताया जा रहा है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो बहुत कुछ जो है हम लोग एनर्जी को सेव कर पाएंगे, ठीक है। अगला सवाल है सितंबर 2021 में किस देश के वैज्ञानिकों ने चील की एक दुर्लभ प्रजाति के जीवाश्मों का पता लगाया जिन्हें क्या पूछा गया है ये, हाँ, जिन्हें आर्कियाक्रैक्स और साइलवेट्रिस, ठीक है, कहा गया। तो किस देश के वैज्ञानिकों ने चील की एक दुर्लभ प्रजाति के जीवाश्मों का पता लगाया है? यूएसए है, रसिया है, इंडिया है या ऑस्ट्रेलिया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है याद रखिएगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र अक्टूबर 2021 में नए ग्रीनफील्ड चिपी हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ठीक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, ना तमिलनाडु है या फिर केरल है, ठीक है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो निम्नलिखित में से सही आंसर क्या होगा? और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा याद रखेगा, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को कोका कोला इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? विराट कोहली है, MS धोनी है, रोहित शर्मा है या सौरभ गांगुली? So in October 2021, which of the following cricketers has been appointed as the brand ambassador of the Coca-Cola of India? ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया है, ठीक है। सो जरा बताइएगा कि इसका जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो कौन है, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर ये आपके विराट कोहली होंगे, ठीक है, MS धोनी होंगे, रोहित शर्मा होंगे या फिर सौरभ गांगुली होंगे। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 4 इज करेक्ट, सौरभ गांगुली इज द राइट आंसर, ठीक है, सौरभ गांगुली इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन पूछा गया है कि अक्टूबर 2021 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने निम्नलिखित में से किस कार्ड के टोकन का समर्थन करने के लिए NPCI टोकन सिस्टम लॉन्च किया है? NPCI, आई होप कि एवरीवन नो अबाउट इट। NPCI की अगर हम लोग बात करने जाए, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और 2009 इसका एस्टेब्लिशमेंट है NPCI का। और हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करने जाएँ तो इसका जो हेडक्वार्टर लोकेटेड है वो कहाँ पर लोकेटेड है? मुंबई में। सो जरा बताइएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? मास्टर कार्ड होगा, ठीक है, पहला। दूसरा आपका वीजा इंक होगा, तीसरा आपका रुपए होगा और चौथा होगा आपका कैपिटल 1, ठीक है। यहाँ पे जो सही आंसर है याद रखिएगा, रुपए इज द राइट आंसर, ठीक है। सो जो करेक्ट आंसर हम लोग टिक करने जाएंगे वो कौन सा हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन 3। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसके सहयोग से वन्य जीव संरक्षण विभाग लद्दाख द्वारा आयोजित पहला 3 दिवसीय लद्दाख पक्षी महोत्सव अक्टूबर 2021 में लेह में शुरू हुआ? So the first ever 3-day Ladakh Bird Festival organized by the Department of Wildlife Protection, Ladakh in collaboration with which of the following commenced in Leh in October 2021? So Secure Himalaya Project होगा, Project M Steps होगा, Project Triffic होगा या फिर Project Mike होगा? So निम्नलिखित में से इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? और इसका जो करेक्ट आंसर याद रखेगा दैट इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। सो इसका जो सही आंसर होने वाला है, जो राइट या परफेक्ट आंसर होने वाला है, दैट इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया है कि November 7th, 2021 मार्क द 133rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होम APJ अब्दुल कलाम, CV रमन, अमर्त्य सेन या फिर श्रीनिवास रामानुजन? तो देखिए APJ अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। CV रमन की होगी, अमर्त्य सेन की होगी या श्री रामानुजम की होगी? और इसमें अगर मैं बर्थ एनिवर्सरी की बात करने जाऊं तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज CV रमन इज द राइट आंसर। और अगर आपको याद भी हो तो 1930 को इनको फिजिक्स कैटेगरी में, ठीक है, 1930 में इनको फिजिक्स कैटेगरी में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, ठीक है। ही वॉज अवार्डेड बाय द नोबेल प्राइज इन 1930। सो 1930 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। और हम लोग इनकी डेट ऑफ बर्थ जो 28 फैब है, इसको हम लोग किसके तौर पर भी ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, दैट इज ऑब्जर्व एज अ नेशनल साइंस डे। तो इसको हम लोग नेशनल साइंस डे के तौर पर भी ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑन विच डे इज रिमेम्बरेंस डे और आर्मिस्टाइस डे मार्क्ड? तो स्मरण दिवस या युद्ध विराम दिवस, निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 9 नवंबर को, 10 नवंबर को, 11 नवंबर को या 12 नवंबर को? तो इसका सही आंसर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4। ठीक है, 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर या 12 नवंबर। सो निम्नलिखित में से सही आंसर क्या होगा? और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 3 इज द करेक्ट, दैट इज 11 नवंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, सो 11 नवंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश ने नवंबर 2021 में 21वीं आईओरा मंत्रिपरिषद की बैठक की मेजबानी की? आईओरा के बारे में आई होप कि सभी को मालूम होगा कि यहाँ पर आईओरा की बात करने जाए। सो इंडियन ओशियन हम लोग बात कर रहे होंगे, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। ठीक है, याद रखिएगा इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की हम लोग बात कर रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, सो ये जो आईओरा है इसमें मेंबर्स की भी संख्या की अगर हम लोग बात करने जाएं, सो याद रखिएगा कि जो टोटल मेंबर्स हैं आपके, दे आर द टोटल 7। और ये जो मेजबानी की है ये किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, सो जो करेक्ट आंसर ऑप्शन यस, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच टीम वन द नेशनल T20 टूर्नामेंट for the blind at the Arun Jaitley Stadium, New Delhi on 25th November 2021। तो अरुण जेटली स्टेडियम अगर आपको याद हो तो ये न्यूली रेमेन हुआ था, क्योंकि अर्लियर अगर मैं इसी स्टेडियम की बात करने जाऊं तो इसी का नाम क्या हुआ करता था? फिरोज शाह कोटला। तो इसी का जो पुराना नाम था वो नाम था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, और अभी हाल ही में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? अरुण जेटली स्टेडियम। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब या गुजरात? निम्नलिखित में से आप किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे? और इसका जो सही आंसर याद रखिएगा दैट इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, सो आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, अगला सवाल है। दिसंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किसे अपना पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? FDMD पूछा गया, फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। FDMD यानी कि फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, और फर्स्ट जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है वो किसको? गीता गोपीनाथन को। ठीक है, सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो यही आपने पूछा था, अभी IMF की हम लोग बात कर रहे थे, IMF की। तो IMF आप सभी जानते हैं कि 1944 में आया है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं? वाशिंगटन DC, USA इसका हेडक्वार्टर हम लोग पढ़ते हैं। कुल सदस्यों की संख्या 190 है, याद रखिएगा। मेंबर्स कई बार पूछे जाते हैं, तो मेंबर्स की जो संख्या है वो कितनी है? 190 है। और इसके अगर हेड की बात करने जाएँ तो याद रखिएगा क्रिस्टलाइन जॉर्जीवा इज द हेड। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीति आयोग हैज लॉन्च्ड ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस कोएलिशन इन पार्टनरशिप विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सो जरा बताएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, और निम्नलिखित में से आप किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे? बताएगा किसका सही आंसर, निम्नलिखित में से किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी में ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिकल बस संगठन लॉन्च किया है? सो इसका करेक्ट आंसर 1, 2, 3 विच ऑप्शन इज करेक्ट। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, 1 होगा और दूसरा 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने NTS द्वारा समर्थित एक टोकन सुविधा शुरू करने के लिए ब्रांड और ब्रॉड एंड एग्रीगेटर्स के साथ भागीदारी की? NPCI, IRDAI, नाबार्ड या फिर PFRDA? क्वेश्चन फिर से देखिएगा प्रॉपर। In December 2021, which of the following has partnered with brands and aggregators to introduce a tokenization facility supported by NTS? NPCI, IRDAI, NABARD या फिर PFRDA? और जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर NPCI। ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो अभी हाल ही में ये बढ़ा दिया गया है, जिसमें फ्री राशन फैसिलिटी दी जा रही थी। ठीक है, सो आई होप कि इसको तो आपने पढ़ा ही होगा कि एक प्रोग्राम जिसके तहत सरकार के द्वारा फ्री राशन फैसिलिटी दी जा रही थी, इसको अभी हाल ही में एक्सटेंड किया गया है। जिसको कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया और इसको एक्सटेंड कर दिया गया है सितंबर 2022 तक। ठीक है, सो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है शीतकालीन ओलंपिक 2022 के दो अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट को कौन बन गए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मनप्रीत सिंह है, मोहम्मद आरिफ खान है, और विष्णु आपके कौन से हैं, सरवनन है या फिर मेराज अहमद खान है। ठीक है, सो जरा बताएगा कि यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा। निम्नलिखित में से आप किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, मोहम्मद आरिफ खान इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2021 में बीबी ईटन का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे। ठीक है, सो बॉबी ईटन, ठीक है बॉबी ईटन पूछा जा रहा है। सो बॉबी ईटन हैज पास्ड अवे इन अगस्त 2021। ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, क्रिकेट, रेस्लिंग, चेस या बैडमिंटन। And the right answer of this question is option second is correct. ठीक है, so wrestling is the right answer. Now next question, who was sworn in as the governor of Manipur in August 2021? So अगस्त 2021 में मणिपुर के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली, गंगा प्रसाद, लागणेशन, नजमा हेपतुल्ला या आरएन रवि। मणिपुर के गवर्नर की बात कर रहे हैं और मणिपुर के गवर्नर के तौर पर जो नियुक्त किए गए हैं लागणेशन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है न्यायमूर्ति विद्यासागर एम कनाडे ने अगस्त 2021 में किस राज्य के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ली। तो देखिए आपने एक तो पढ़ा होगा लोकपाल, एक हम लोग पढ़ते हैं जन लोकपाल के बारे में। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जन लोकपाल, और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं लोकायुक्त। ठीक है, सो जो लोकायुक्त होता है दैट इज ऑन स्टेट लेवल, ये आपका राज्य स्तर पर होता है। ठीक है, राज्य स्तर होता है। एंटी करप्शन ब्यूरो की हम लोग बात करते हैं और ये आपका नेशनल लेवल पे होता है। ठीक है, नेशनल लेवल पे होता है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर जो अभी फर्स्ट बनाए गए थे वो आपको मालूम होगा जस्टिस पीसी घोष थे, पिनाकी चंद्र घोष थे जो पहले हेड बनाए गए थे। और यहाँ पर भारत में जो पहला स्टेट है जो लोकायुक्त को लाने वाला स्टेट बना वो कौन सा था, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे पहले लोकायुक्त आया और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर टिक करने जाएंगे वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है डॉक्टर गेल ऑमवेड्स passed away in August 2021. Which of the following is या are among the books penned by her? ठीक है, सो इसका सही आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से हम लोग किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4। विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, यस, ऑल 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो याद रखिएगा पूछा गया है डॉक्टर गेल ऑमवेट का अगस्त 2021 में निधन हो गया है। निम्नलिखित में से उनके द्वारा कौन सी पुस्तकों में से एक है, सीकिंग कौन सी है, बेगमपुरा, बुद्धिज्म इन इंडिया और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, अगला सवाल है सितंबर 2021 में किसने स्वयं सहायता समूह CHG महिला बचत गट के साथ के लिए साथ नामक ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम शुरू किया है। SHG आई होप कि आप जानते होंगे, SHG मतलब हम लोग यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये लॉन्च हुआ था 1992 में बाई नाबार्ड। तो नाबार्ड का प्रोडक्ट है, याद रखिएगा, माइक्रो बैंकिंग आप एक्टिविटी कह सकते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ द माइक्रो बैंकिंग एक्टिविटी। ठीक है, सो इसमें से आप किसको टिक करने जाएंगे, जितेंद्र सिंह होगा, मनोज सिंह होंगे, जीसी मुर्म होंगे या कि फिर केशव प्रसाद मौर्य। और इसका जो सही आंसर है दैट इज मनोज सिंह इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन में कि पूछा जा रहा है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ऑर्गेनाइज्ड हिमालयन दिवस in New Delhi in association with which of the following in September 2021। So पूछा गया है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसके सहयोग से नई दिल्ली में हिमालय दिवस का आयोजन किया? जैन फाउंडेशन होगा, नौला फाउंडेशन होगा, लाइडलॉ फाउंडेशन होगा या फिर ड्रोसॉस फाउंडेशन होगा। ठीक है, सो इसका सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसको टिक करेंगे? दैट इज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, नौला फाउंडेशन इज द राइट आंसर। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन, याद रखिएगा, सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रिसर्चर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डेवलप्ड टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस एनर्जी इफिशियंट वॉलिंग मटेरियल यूजिंग कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट एंड एल्कली एक्टिवेटेड बाइंडर्स। तो क्वेश्चन में पूछा गया जा रहा है निम्नलिखित में से किसके शोधकर्ताओं ने निर्माण और विध्वंस CND अपशिष्ट और क्षार सक्रिय बाइंडरों का उपयोग करके ऊर्जा कुशल दीवार सामग्री का उत्पादन करने के लिए एक तकनीक विकसित की है। भारतीय विज्ञान संस्थान है, IIT बॉम्बे है, IIT दिल्ली है, IIT खड़गपुर है। जरा बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4? विच ऑप्शन इज करेक्ट? और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, दैट इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, बेंगलुरु। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN ने किसको SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया है? ठीक है, so the UN sponsored sustainable development solution network SDSN has conferred whom with SDG progress award in September 2021? so Mikhail Mishustin होगा, Justice Trudeau होगा और योशीहिदे सुगा होगा या शेख हसीना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्रेस अवार्ड, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो प्रोग्रेस अवार्ड है ये दिया गया है, याद रखिएगा PM ऑफ बांग्लादेश। तो ये कहाँ की PM है? बांग्लादेश की, और ये बांग्लादेश के PM है जिनका नाम है शेख हसीना। इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल है सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय वर्षावन अपने आदिवासी मालिकों को वापस कर दिया गया है? ठीक है, सो द कॉन्गो रेन फॉरेस्ट है और डेंट्री रेन फॉरेस्ट है और वाल्डिवियन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट है या फिर द अमेजन रेन फॉरेस्ट। सो सितंबर 2021 में विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाज रिटर्न टू इट्स एब ओरिजिनल ओनर्स। ठीक है, और ये जो रिटर्न किया गया वो कौन सा है? डेंट्री रेन फॉरेस्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय बल ने लद्दाख में एक पहाड़ को नॉर्बू वांगुड पीक नाम दिया? तो कौन सा निम्नलिखित में से सुरक्षा बल है जिसने एक चोटी को लद्दाख में, याद रखिएगा, नाम दिया है नॉर्बू वांगड़ू? ठीक है, पीक नॉर्बू वांगड़ू पीक। और नॉर्बू जो वांगड़ू पीक नाम दिया गया है ये किसके द्वारा? ITBP के द्वारा, जो इंडो तिब्बत आपकी बॉर्डर पुलिस फोर्स है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस सरकार ने राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में आरोग्य वाटिका स्थापित करने का निर्णय लिया है? ठीक है, सो हर एक स्टेट के जो भी स्कूल्स हैं उनमें एक आरोग्य वाटिका स्थापित की जाएगी, और ये आरोग्य वाटिका निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की जाएगी? यूपी में, झारखंड में, केरल में या फिर पंजाब में? और सभी माध्यमिक स्कूलों में और इस आरोग्य वाटिका को स्थापित किया जाएगा, याद रखेगा, यूपी में। सो जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हम लोग टिक करने जाएंगे कौन सा होगा? ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, अगला सवाल है अक्टूबर 2021 में किस नगर निगम ने शहर की GIS मैपिंग के लिए सर्वेक्षण शुरू किया है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। ठीक है, तो पहला जो दिया है इसमें क्या दिया गया? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की बात की गई है। ठीक है, पहला। दूसरा है आपका श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। तीसरा आपका जो इसमें दिया गया है हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। चौथा दिया गया है बेंगलुरु म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। सो जरा बताएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा और निम्नलिखित में से किसको टिक करने जाएंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4? और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल है अक्टूबर 2021 में एक्सिस बैंक के बोर्ड ने किसे बैंक के उप प्रबंध निर्देशक के रूप में नामित किया है? राजीव रंजन है, राजीव आनंद है, अभय सिन्हा है, नीरज सचदेवा है। ठीक है, सो जरा बताएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4? विच ऑप्शन इज करेक्ट? इसका सही आंसर राजीव रंजन, राजीव आनंद, अभय सिन्हा या नीरज सचदेवा। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन यस, सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, राजीव रंजन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अगला सवाल है, पूछा गया है कि व्हेन इज इन्फेंट प्रोटेक्शन डे सेलिब्रेटेड टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ इन्फेंट। तो शिशुओं की सुरक्षा के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जो आपका शिशु संरक्षण दिवस है ये कब मनाया जाता है? 4 नवंबर को मनाया जाता है, 5 नवंबर को मनाया जाता है, 6 नवंबर को, या फिर 7 नवंबर को। ठीक है, सो जरा बताएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा और निम्नलिखित में से किस ऑप्शन को टिक करने जाएंगे। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, 7 नवंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन इज द नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को, 9 नवंबर को, 10 नवंबर को, या फिर 11 नवंबर को। सो आसान सा सवाल है, नेशनल एजुकेशन डे की बात कर रहे हैं हम लोग और नेशनल जो एजुकेशन डे मनाया जाता है एवरी ईयर आपका 11 नवंबर को। ठीक है, सो दैट इज ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल। बात चल रही है इसमें मोबाइल प्रीमियर लीग MPL एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म किस राज्य में एक गेम डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करेगा? तो MPL मोबाइल प्रीमियर लीग की बात चल रही है, आपने बहुत सारा ऐड भी देखा होगा इसका कि टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आता रहता है MPL का। तो ये निम्नलिखित में से किस स्टेट में, भारत के किस राज्य में एक गेम डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने जाएगा? और ये जो गेम डेवलपमेंट सेंटर है ये तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में अपने टेस्ट डेब्यू पर शतक बनाने वाले 16वें भारतीय बल्लेबाज कौन है? पृथ्वी शाह, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन या अक्षर पटेल। तो अपने डेब्यू पर, ठीक है, अपने टेस्ट डेब्यू पर शतक लगाने वाले जो 16वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं वो कौन है? आपके श्रेयस अय्यर। और अभी हाल ही में आपने नाम देखा होगा जो पॉपुलर चल रहा है जसप्रीत बुमराह का, जिन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है सबसे हाईएस्ट, मतलब स्पीड में फास्टेस्ट स्कोर बनाने वाले, एक ओवर में मैक्सिमम रन बनाने वाले, जसप्रीत बुमराह का। ठीक है, अगला सवाल है कि विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज ऑब्जर्व ऑन 3 दिसंबर 2021। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3 दिसंबर 2021 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई? 136 है, 137 है, 138 है, या 139 है। ठीक है बेटा, वन ईयर का करंट अफेयर आएगा अभिषेक, 1 ईयर का। ठीक है, और 1 ईयर में हम लोग जो 2022 के 5 से 6 महीने का है वो तो करंट कवर कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में आपका 2021 का जो 5 to 6 मंथ का करंट अफेयर है, ठीक है, उसको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का। तो इसका जो सही आंसर याद रखेगा 137 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार किसने जीता? उदित सिंघल है, अभिनव कुमार है, रूपेश गोयल है, या फिर कार्तिक राज है। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर और इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, रूपेश गोयल इज द राइट आंसर। ठीक है, रूपेश गोयल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी उत्सव इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन इंडिया अक्रॉस स्टेट बिटवीन। तो पूछा जा रहा है कि संपूर्ण भारत में पूछा गया कि संपूर्ण भारत में नदी उत्सव इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन इंडिया अक्रॉस स्टेट बिटवीन। संपूर्ण भारत के बीच निम्नलिखित में से किस डेट के से लेकर के किस डेट के बीच में नदी उत्सव मनाया जा रहा है? ठीक है, सो इसका सही आंसर क्या होगा? नदी उत्सव पूछा गया है किस डेट से लेकर के किस डेट के बीच में मनाया जा रहा है? 16 से लेकर के 22 दिसंबर, 16 से लेकर के 23 दिसंबर, 17 से लेकर के 24 दिसंबर, या फिर 18 से लेकर के 25 दिसंबर। और यहाँ पे जो सही आंसर याद रखेगा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, 16 से लेकर के 23 दिसंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता आंदोलन के महत्व को उजागर करने और प्रत्येक उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को, 24 दिसंबर को, 15 मार्च को, और 14 दिसंबर को। ठीक है, सो इसका सही आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 एंड 4 विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो निम्नलिखित में से आप किसको टिक करने जाएंगे? और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन यस, सेकंड इज द राइट आंसर। 24 दिसंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। और 25 को हम लोग क्या मनाते हैं? गुड गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, यूनेस्को हैज पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू एस्टैब्लिश द पैलेस्टाइन वर्चुअल म्यूजियम ऑफ आर्कोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूनेस्को ने पुरातत्व वस्तुओं के लिए फिलिस्तीन आभासी संग्रहालय की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? पोलैंड है, फिनलैंड है, नॉर्वे है या फिर स्वीडन है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? किस ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे? 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ या फिर 4 के साथ? और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर याद रखेगा, स्वीडन इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, सो चलिए गाइज, ये था आज का सेशन और इसी के साथ हम लोग कंक्लूड करते हैं। और इस सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सो प्लीज़ फॉर द पीडीएफ विजिट दिस टेलीग्राम ग्रुप। और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है @SirTextBook। और बाकी आप टेक्स्टबुक के किसी भी कोर्स को इनरोल करते हैं, सो यूज़ द कूपन कोड SHIVKT टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और इस समय टेक्स्टबुक याद रखेगा अभी आपका ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है। सो आप जो टेक्स्टबुक का पास है ये बहुत ही कम प्राइस में पा सकते हैं 374 में। और 374 में टेक्स्टबुक के पास के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, देखिए सबसे पहले आप जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि आप सबसे पहले तो इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ठीक है, और यस ये जो आपको नीचे दिया जा रहा है टेक्स्टबुक पास, तो इस जैसे ही टेक्स्टबुक पास की लिंक को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सर कि ये आपके 3 ऑफर हैं, मंथली, ईयरली और लाइफ टाइम। तो आप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करिए, लाइफ टाइम और ईयरली को, और जिसमें जब भी पेमेंट करने जाएं सो यूज़ द कूपन कोड का यूज़ कीजिए। और कूपन कोड कौन सा है? SKT पास, शिव कुमार तिवारी पास। और जब आप इसको अप्लाई करेंगे सो यू विल गेट अ ह्यूज डिस्काउंट। ये पड़ेगा आपको 300 का मंथली, 375 का ईयरली और 525 का लाइफ टाइम। 500 प्लस एग्जाम कवर्ड हैं, 42,000 मॉक टेस्ट और 12,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और 14.1 याद रखिएगा, यानी कि 14 लाख से ज़्यादा इसमें स्टूडेंट आपके इन्वॉल्व है। ठीक है, और बाकी अगर मैं टेस्ट की बात करने जाऊँ सो कौन कौन से टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है मॉक टेस्ट, तो यहाँ पर मॉक टेस्ट में आपके SSC MTS है, इंडियन एयरफोर्स, अग्निवीर, ठीक है, जो अभी हाल ही में आपकी भर्तियां होने वाली हैं, CUET है, RRB है, बैंक के जो भी आपके इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इस समय आपके टेस्ट हैं वो सभी आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, सो चलिए गाइस, ये था आज का सेशन और इसी के साथ हम लोग कंक्लूड करते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड यस, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।